आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जो ऑनलाइन अर्न तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा इजी सा और सिंपल सा वर्क मिले जिसको वो अपने फिंगर टिप्स पर कंप्लीट कर ऑनलाइन अर्न करें। अगर आप भी अपनी अर्निंग फिंगर टिप्स पर चाहते हैं या आप भी इजी सा वर्क सर्च कर रहे थे जिसके थ्रू आप भी अपना ऑनलाइन रेवेन्यू बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी सही वीडियो पर आए हैं। अब इस वाले प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए ना ही आपसे आपकी एजुकेशन पूछ रहे हैं, ना ही आपसे डिमांडिंग स्किल मांग रहे हैं। आपके पास जितना एजुकेशन है, जितनी यहाँ पर स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पे कर रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर ज्यादा एजुकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर $10 के हिसाब से यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है करने में तो ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको यहाँ पर फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां से आपको हेल्प आउट करूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे यहाँ से रजिस्टर करना, ऑनलाइन रेवेन्यू बनाना है। फ्रेंड्स मेथड पर चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे आने वाला लेटेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वाला मेथड मिस ना हो। एट द लास्ट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो या अगर आप यहाँ से कुछ सीखे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और दूसरों से शेयर करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट आ जाइए क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आकर सर्च कीजिए रेडबबल। तो आप लोग जैसे रेडबबल लिखकर सर्च करोगे आपके सामने वेबसाइट का इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको काम करने के लिए सबसे फर्स्ट आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 लाइंस दिख रहे हैं इसको क्लिक करना है और यहाँ से जो साइनअप वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आपको फर्स्ट यहाँ पर आर्टिस्ट साइनअप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देकर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री कर साइनअप करना है। सबसे मेन यहाँ पर जो आपको शॉप नेम देना है यहाँ पर आप केयरफुली दीजिए क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ आपका काम डिपेंड करता है शॉप नेम पर ही। अगर आपको शॉप नेम देने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करती हूँ, आप उस वाले प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर अपना बिजनेस का यहाँ पर नेम रख सकते हैं। तो ऐसे तो आप लोगों को ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि बिजनेस का नेम जनरेट कर दे देंगे। तो आप ये मैं जो बता रही हूँ इस वाले प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को जो ईजी लगा है उसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे ही गूगल पर लिख कर सर्च करोगे बिजनेस नेम जनरेटर, आपके सामने बहुत सारे साइट्स आ जाएंगे, किसी एक साइट को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पर उसको मेंशन कीजिए। लाइक यहाँ पर मैं क्लॉथिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ तो क्लॉथिंग लिखकर यहाँ से जो बेसिक विजर्ड है उस पर क्लिक कर देने से यहाँ पर आपको बहुत सारे ये नेम जनरेट कर दे देगा। तो यहाँ से आप कौन सा भी नेम अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने शॉप के नेम के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई एक नेम को अगर क्लिक कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि उसका डोमेन गोडैडी पर ईजिली अवेलेबल मिल जाता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके सारे बिजनेस के नेम से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ उसका इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो यहाँ पर मैं वो वाला नेम से रिलेटेड ही यहाँ पर अपना नाम रख रही हूँ बिजनेस का, स्टाइलिशिफाई, वो लिखकर यहाँ पर साइनअप कर लेती हूँ। तो आप जैसे ही साइनअप कर लेंगे आपके सामने अगेन इस तरीके का एक डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे बिजनेस को सेटअप करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट आपको बिजनेस को सेटअप करने के लिए यहाँ पर डिजाइन को अपलोड करना है। अब आप यहाँ पर डिज़ाइंस को अपलोड करने के लिए कैनवा का मत यूज़ कीजिए क्योंकि कैनवा पर जो है आप लोगों को बेसिक से डिज़ाइन मिल जाते हैं, अगर आप खुद से क्रिएट करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगर आप कोई क्विक अर्निंग चाहते हैं तो आप कोई ऐसा AI प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए जहाँ पर वो आपको टेक्स्ट से डायरेक्टली आपके जो है लोगोस या आपके डिज़ाइंस को क्रिएट। यहाँ पर मैं डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ प्लेटफॉर्म ideogram.ai का। अगर आप सिंपली ideogram.ai लिखकर सर्च करेंगे तो आप ये इस वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। आपको सिंपली साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर आप यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन चाहते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ राइट डाउन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लॉथिंग, जहाँ पर मेरे को टी शर्ट्स के जो प्रिंट रहते हैं उसका यहाँ पर मेरे को डिज़ाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कमा रही हूँ कि यहाँ पर मेरे को ये टी शर्ट्स के डिज़ाइन दे दे। तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, विद इन फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइंस मिल जाएंगे विद कवर पेजेस के, यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये कितने एक एडवांस लेवल के है। अगर आप बेसिक लेवल पर अगर कैनवा यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर आप इस तरीके के डिज़ाइंस को नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो आप AI प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए जहाँ से आपके जो डिज़ाइन है एकदम हाई क्वालिटी हो और जो यहाँ पर आपके क्लाइंट को लगे कि आप यहाँ पर एक एडवांस लेवल की एडिटिंग के थ्रू आप यहाँ पर डिज़ाइंस को क्रिएट किए हैं। तो
तो यहाँ पर आप जो भी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ डिजाइन क्रिएट करी हूँ, लाइक यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स के जो डिजाइन रहते हैं रिलेटेड टू बर्थडे थीम, और यहाँ पर कुछ अगर कोई कॉफी लवर है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं कुछ डिजाइन क्रिएट कर ली हूँ। तब आप यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इमेजेस को डाउनलोड कर लेने के बाद अगेन आ जाइए रेडबबल पर। रेडबबल प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर ऐड अ डिज़ाइन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा अपलोड अ न्यू डिज़ाइन पर। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ पर जो डिज़ाइन है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसका डायमेंशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर उसका जो फॉर्मेट रहता है जेपीजी, उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा आपको। इसको अगर जो भी फॉर्मेट रहता है उसमें जेपीजी में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का फॉर्मेट चेंज कर इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर दी हूँ। अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर डिज़ाइन था वो टी शर्ट्स पर किस तरीके से लग रहा है, यहाँ पर कप पर किस तरीके से लग रहा है, या जो हुडीस रहते हैं उस पर कैसा लग रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डिज़ाइन तो करेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुका है, अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेन है आप लोगों को यहाँ पर इसका टाइटल देना है और यहाँ पर इसका जो टैग्स और डिस्क्रिप्शन बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिज़ाइन जो भी है वो रैंक होगा यहाँ पर सिर्फ आपके टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन पर ही। तो यहाँ पर आप टाइटल भी अपने डिज़ाइन से रिलेटेड ही दीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो डिज़ाइन था वो था यहाँ पर बर्थडे से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर सेम उसी रिलेटेड यहाँ पर टाइटल दे दूँगी। उसके बाद जो टैग्स रहते हैं बर्थडे से रिलेटेड ही यहाँ पर एक 15 टैग्स लगा दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर 15 टैग्स से कम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 15 टैग्स लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टैग्स को प्लेस्ड कीजिए। तो यहाँ पर मेरा जो डिज़ाइन है बर्थडे पर है, तो मैं यहाँ पर बर्थडे से रिलेटेड ही टैग लिख रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बर्थडे वाइब, बर्थडे फन, बर्थडे में, बेसिकली यहाँ पर जितने भी बर्थडे विशेस इस तरीके से यहाँ पर टैग्स रहते हैं मैं उनको यहाँ पर लगा दी हूँ। तो यहाँ पर हम टैग्स तो प्रॉपर लगा दिए हैं, अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना नहीं आता है, कीवर्ड्स यहाँ पर सही से लिखना नहीं आता है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स रहते हैं आपके डिज़ाइन से रिलेटेड उसको लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगाई हूँ, तो आप सिमिलर वे में अपना भी डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से लगाइए। तो यहाँ पर मैं मेंशन की हूँ कि मैं यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी का जो डिज़ाइन है प्रोवाइड करूँगी, और अगर आपको यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए डिज़ाइन में, कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो भी कर दे दूँगी, और यहाँ पर अगर आपको साइज़ में कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर साइज़ कस्टमाइजेशन, यहाँ पर जो भी अगर चीज़ें रहेंगे वो सारा कुछ काम वेबसाइट करेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिज़ाइन पर ही यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर उसके बाद सारा कुछ दे देने के बाद आप यहाँ पर नीचे आकर देख सकते हैं कि आप ये जो डिज़ाइन है इसको यहाँ पर सेंटर में भी प्लेस कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल भी अगर प्लेस्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन का, जो भी बैकग्राउंड रहता है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड ही अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर वाइट ही रखूँगी। वाइट रखने के बाद यहाँ पर जो आपको अप्लाई चेंजेस दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर मैं देख लूँगी कि जो कॉफ़ी मग रहता है उस पर मेरा डिज़ाइन किस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पर आपको पेंडेंट, कॉफ़ी के मग्स रहते हैं, हैट्स जो भी रहते हैं उस पर, जितने यहाँ पर आइटम्स रहेंगे उतने आइटम्स पर आपका जो यहाँ पर डिज़ाइन है वो लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ कर लेने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पर जो भी मैं चेंजेस करी थी वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद ये पूछेगा कि आप ये वर्क सबको दिखाना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप सबको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके कंटेंट के बारे में पूछेगा, तो आपके यहाँ पर जो भी कंटेंट रहेगा उसको एक बार पढ़कर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मेरा कंटेंट कुछ भी ऐसा ये नहीं है, तो मैं यहाँ से नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर सेव अ डिज़ाइन पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सेव वर्क, उस पर यहाँ पर क्लिक कर देने से आपका जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाए थे यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक मैसेज पॉपअप होगा जहाँ पर ये कहेगा कि आपका यहाँ पर जो डिज़ाइन है अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिटर्न टू डैशबोर्ड टू कंप्लीट द डिटेल्स। तो आपके सामने इस तरीके का अगेन इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप अपने जो डिज़ाइन थे वो फर्स्ट वाला स्टेप तो कम्प्लीट कर लिए हैं, सेकेंड जो है आपकी जो शॉप है उसको सेटअप करना है, थर्ड जो है आपके यहाँ पर पेमेंट मेथड को अटैच करना है। तो हम आप आ जाते हैं सेकेंड वाले, यहाँ पर आपको फर्स्ट अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक कवर इमेज भी लगानी होगी। अगर आपको यहाँ पर कवर इमेज क्रिएट करनी नहीं आती है तो आप आइडियोग्राम से
अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कवर इमेज यहाँ पर जनरेट कर लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना होगा, लास्ट नेम देकर यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम है इसको ऑलवेज शो माई यूजर नेम पर ही क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप सेटिंग्स को चेंज मत कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए बायो। अब बायो लिखने के लिए जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिजाइन को अपलोड करते जब लगाए थे उस वाला यहाँ पर बायो भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर लीजिए। लाइक यहाँ पर बायो में ये मत लिख दीजिए कि आप सिर्फ यहाँ पर बर्थडे से रिलेटेड ही अपना डिजाइन को क्रिएट करते हैं, आप जो भी डिजाइन क्रिएट करते हैं सारा कुछ यहाँ पर लिख दीजिए। तो लिख देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपका कॉपीराइट URL भी दिख जाएगा, जिसको शेयर कर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से भी इस वाला डिजाइन को परचेस करने लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ कर लेने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके जो भी आप चेंजेस किए थे वो सेव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था सेकेंड वाला मेथड। अब यहाँ पर जो थर्ड वाला मेथड है जहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स अटैच करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे अकाउंट पर आकर एडिट पेमेंट डिटेल्स पर। आपको यहाँ पर जैसे ही एडिट पेमेंट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे सारे कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करने को कहेगा, लाइक आपका स्ट्रीट एड्रेस, आपकी सिटी, आपका जिप कोड, स्टेट आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी यहाँ पर कंट्री। तो यहाँ से अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ अपनी कंट्री इंडिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भी सेम रखना चाहते हैं क्या पूछता है, तो आप यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आप जो यहाँ से विड्रॉ लेना चाहते हैं वो आप USD में चाहते हैं या आप यहाँ पर कैनेडियन डॉलर्स में चाहते हैं वो पूछेगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए USD, जो लास्ट वाला ऑप्शन है पेपाल यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन देगा कि आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं पेपाल अकाउंट को, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पेपाल अकाउंट पर क्लिक कर अपना जो भी पेपाल का ईमेल एड्रेस है यहाँ पर अटैच कर दीजिए। इतना ही आप लोगों को करना है, जस्ट आप लोगों को यहाँ से डिजाइन को क्रिएट करना है AI के थ्रू और यहाँ पर उसको अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो मैनेज पोर्टफोलियो पर क्लिक कर यहाँ से आपके डिजाइंस में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्लोथिंग का एग्जांपल लेकर शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पर रेडबबल के होम पेज पर आकर देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट वराइटीज ऑफ डिजाइंस को क्रिएट कर सेल करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लोथिंग से रिलेटेड डिजाइन बनाए थे, तो हम यहाँ पर क्लोथिंग लिखकर अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत सारे टी शर्ट्स के डिजाइन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $32, $22, $17, $19, इसी तरीके से यहाँ पर आपका डिज़ाइन जो है टी शर्ट्स पर यहाँ पर लगा दिया जाएगा और आपको यहाँ पर सेल होने पर आपको यहाँ से अर्निंग होगी। यहाँ से आप कितना अर्न करेंगे वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली गेट पेड वाले ऑप्शन पर आ जाइए। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा एक सारा डिटेल में इन लोगों का ब्लॉग, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये 15th ऑफ जो मंथ रहता है उसकी 15th डेट को आपको यहाँ पर ये आपकी पेमेंट देंगे। अब यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए भी आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, आपके पास अगर $20 भी है तो आप यहाँ से इजीली विड्रॉ ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कितने परसेंट आपकी अर्निंग होगी, कितना परसेंट कमीशन देंगे वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा गेटिंग पेड वाले सेक्शन पर। उसके अंदर आपको यहाँ पर आर्टिस्ट मार्जिन जो है उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर ये दिख जाएगा कि आप यहाँ पर 17% से लेकर 20% तक कमीशन अर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी सेल्स वाले आइटम रहेंगे उस पर आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग नहीं होगी। फ्रेंड्स यही था यहाँ पर आप कैसे अर्निंग करें, कैसे डिज़ाइंस को क्रिएट करें यूजिंग AI के, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करी हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यही था आज का मेथड। अगर आप लोगों को और सारे अगर इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर डाउट रहे तो आप इनके FAQs वाले सेक्शन पर क्लिक कर आपके यहाँ पर जो भी क्वेरीज है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।